करेंगे कि अब कौन सी वो एक टीम होगी जो लेके जाएगी 75 लाख रुपए। आज के ग्रैंड फाइनल्स का पहला मुकाबला, ये पहला इरांगल का वर्चुअल वर्ल्ड, और देखना ये है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में कौन सी टीम होगी जो लेके जाएगी चिकन डिनर बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स। सबसे पहला पायदान हमें उनके पास देखने को मिलता हुआ, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के स्टाफ जो बनेंगे पायलट, दिखाएंगे हमको फ्लाइट पास। अभी के लिए मेजी लेंगे थोड़ा सा विदा, और मैं और स्पीरो रहेंगे आपके स्टोरी टेलर। सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट अंक से तो बात नहीं बनने वाली, तो फिनिशेस तो उनको निकालने, बट जोन का ये शिफ्ट, मैं इसी चीज की बात कर भी रहा था, पहले भी हमने देखा है कि जोन के ऑकवर्ड शिफ्ट आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट आते हैं, और ये शिफ्ट कॉस्ट करने वाला है टीम मेडल को, टीम रेवनेंट को। बट जस्ट लुक एट टीम एक्स पार्क, दिस इज द बेस्ट पोजिशनिंग जहां पे कोई भी टीम हो सकती है। अब जोन के अंदर जाना है, और जाने के लिए टीम एक्स पाक का सामना उनको करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स फ्लैग्स हैं उनके पास, तो पोजीशन पॉइंट शायद उनको ना मिले, बट पीछे से भी स्प्रे आएगा, थोड़ा बचना पड़ेगा टीम एक्स पाक के प्लेयर्स को। बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स टॉप ऑफ द टेबल, टीम एक्स पाक की बात करें तो ओवरऑल स्टैंडिंग में चौथे पायदान पे वो मौजूद है। सारंग जो ऑलरेडी 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं, एक ग्रेनेड करीब गया लेकिन कुछ खास फायदा होगा नहीं। सैफ को अपनी पोजिशनिंग चेंज करनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कतें उनके लिए बढ़ सकती हैं। ड्रीम्स की बात करें, वीकल लेके आएंगे सैफ, बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, एक और बुलेट का कनेक्शन, और ये ग्रेनेड तारंग, आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी। ऑलरेडी ये खिलाड़ी 5 फिनिशेस निकाल चुका है, छठे फिनिश के लिए बढ़ता हुआ, बट बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स उनके लिए मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि बाकी उनके सामने मौजूद है, बट ड्रीम्स वहां पे आएंगे, वो व्हीकल से डाउन करेंगे टीम एक्स पार्क। इट इज अ 4 vs 4 प्योर बैटल। रॉबिन एचपी काफी ज्यादा गवाई, डायनासोर्स को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। एक्विनॉक्स तो पीछे, मैं देखना चाहूंगा क्या होता है, बट आदित्य टेक्स वन डाउन, निंजा जॉय टेक्स ड्रीम्स आउट, बट डायनासोर्स नॉक डाउन को भी करा जाएगा। एक थ्री वे बैटल बन चुका है ये प्लेग्राउंड। गॉड्स रेन सैंडविच सिचुएशन में आ चुकी है, और ऐसे में उनका एलिमिनेट होना यहाँ पे लगभग तय हो सकता है। कुछ अच्छे ग्रेनेड्स और मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। पुकार एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया, बट निंजा जॉट का वो ग्रेनेड पुकार को डाउन किया जाएगा। अभी भी गॉड्स रेन इज समहाउ सर्वाइविंग, उनको यहाँ पे स्मोक करने की जरूरत पड़ सकती है, बट उससे पहले सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। एक खिलाड़ी एक व्हीकल, तीन प्लेयर जा रहे हैं, वहां पे निंजा जॉट को डाउन किया गया, वहीं दूसरी तरफ मिड वे मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी, बट गॉड्स रेन वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। टीम एक्स पार्क शायद एक बार फिर से वो हिस्ट्री को रिपीट करें। कोई तो रोक लो सारंग को, वो नहीं रुक रहे आज के दिन में। सारंग is playing on a different level, but Midway Esports ab zone ke andar tone ko ab yahan pe circle ke andar jahan pe already hame night owls ki squad dekhne ko mil rahi hai, team medal jo ki eastern side pe maujood the unko koi contest karne ke liye aaye hi nahi, aur wo safely apni position pe maujood hai, but team ek park us height ke behtar advantage se wo night owls ki mushkilein badhayenge। Midway wo bhi unke upar shot denge, night owls bilkul center mein aur wo center of attraction bhi rehne wale hain। Knock koi nikal raha hai, finish koi nikal raha hai, but team ek park ke putar वो हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद रहेगा, और अब मिडवेव का बच पाना बहुत मुश्किल। 12 फिनिशेस ऑलरेडी टीम एक्स पार्क के पास मौजूद रहेंगे, जहां पे सारंग 7 के 7। रीम्स को रिवाइव करना जरूरी, रीम्स को रिवाइवल मिल भी जाएगा। उनकी आदित्य का एक वॉलेटॉप को शिकार वो भी यहां पे करते नजर आएंगे। टीम एक्स पार्क ईस्पोर्ट्स उनकी भी वापसी, मात्र 24 अंक का डिफरेंस था पहले और चौथे पायदान के बीच में, जहां पे टीम एक्स पार्क मौजूद है, वो ऑलरेडी बहुत बेहतर खेल रहे हैं, उनका बच पाना बहुत मुश्किल। फेल जाएंगे पुकार की ये दहाड़े, और इस दहाड़ के सामने नाइट आउल्स वो पूरी तरीके से धराशाही होते हुए। टीम एक्स पार्क दे आर मूविंग अहेड, दे आर मूविंग फॉर द चिकन डिनर, दे आर मूविंग अहेड फॉर द विक्ट्री, बट अपोलो वो पुकार को डाउन करेंगे। अब सारंग को सर्कल के अंदर आना है, एक बढ़िया जो ऑफ गार्ड एंगल है वो सारंग के पास मौजूद, उनके पास वो हाइट का एडवांटेज है, बट मेडल उनके पास रहेगी, और सारंग वो एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे, और यहां पर टीम एक्स पार्क 16 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। बट अभी भी मेडल आगे जाते हुए उनको आगे जाना ही पड़ेगा। जोन के अंदर जगह बनाई, एक पेड़ का कवर अब उनके पास है, बट ड्रीम्स एंड आदित्य बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। ये नेट डाला तो गया है स्मोक के अंदर, क्या किसी को ढूंढ पाएगा ये नेट, बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेडल के लिए। चलिए सारे नेट सब खत्म हो चुके हैं, आदित्य बगी में बैठे थे, बाहर निकले, नेट्स अभी भी यहाँ पे आते हुए। क्रूशियल मुकाबला, इनकोर की एचपी थोड़ी सी कम हुई, क्या यहाँ पे टीम एक्स पार्क एक बार फिर से हर दिन की शुरुआत की तरह इस दिन की शुरुआत में भी वो चिकन निकालेगी, ये सवाल अभी सबके मन में। अगर टीम एक्स पार्क ये चिकन निकालती है, अगर टीम एक्स पार्क ये चिकन निकालती है, तो पहला पायदान टीम एक्स पार्क के पास जाने वाला है।
दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर देम, बट वहीं सामने खड़ी है टीम मेडल, सेमीफाइनल्स में टॉप ऑफ द टेबल, फाइनल्स में आके थोड़ा बहुत हड़बड़ाई, लेकिन अब वापस से वो बेहतर खेल रहे हैं। ब्लू जोन का जो श्रिंक है वो आने वाला है, डैमेज बहुत ज्यादा आएगा, ड्रीम गोज डाउन, चोया वो एक इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे और अब आदित्य के कंधे पे सारी जिम्मेदारी, ब्लू जोन का डैमेज है, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर आदित्य टू डील विद दिस, उनको टेक डाउन किया जाएगा एंड टीम मेडल। ये लेकिन ये है इस पूरे ही सपने का आखिरी मुकाबला, दिस इज द फाइनल बैटल, TGIS 2023 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा इरांगल के वर्चुअल वर्ल्ड में, पूरे भारतवर्ष की नजर इस मुकाबले पे। ओवर टू यू मेजियन स्पीरो। शुक्रिया अंकी, हमने शुरू किया था इरांगल से, हम खत्म करेंगे इरांगल पे, ये आखिरी मैच BGIS 2023 का। सब कुछ डिपेंड करता है इस एक मैच पे, कौन बनेगा चैंपियन, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, सब पता चलेगा इसी इरांगल में। टीम एक्सपाक, उनके लिए भी अभी मुकाबला समाप्त हुआ नहीं, बट अगले सर्कल का शिफ्ट वो किसके खाते में जाएगा, मान्या वो रहेंगे सर्कल के अंदर, टीम एक्स पाक वो भी सर्कल के अंदर, बड़ा डेस्ट्रो को तो देखिए, गाड़ी लेकर वो खिलाड़ी पहले से ही तैयार। ग्लैडिएटर्स वो सर्कल के बाहर, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स वो सर्कल के बाहर, मेडल ईस्पोर्ट्स वो सर्कल के बाहर, इन तीनों टीमों को अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा, ओवर उनका भी साथ। अगर ग्लैडिएटर्स जीत रही है BGIS 2023 को, वो एक ऐसी टीम होगी जो बिना चिकन डिनर निकाले ये टूर्नामेंट जीत के जाएगी, बट टीम एक्स पाक वो भी फैन फेवरेट सारन द गेम रेवेनेंट उनके सामने स्पॉट किया सारन ने, बट सारन को यहाँ पे नॉक करा जाएगा एमजे के द्वारा, पुकार एक ट्रेड निकालेंगे अपोलो को करा डाउन, एक्चुअली वो अपने जिन्होंने नॉक किया था, बट पुकार वो फिनिश चुरा के लेके जाएंगे। चोया सात टोटल फिनिशेस निकाले उस खिलाड़ी ने, एमजे सर्कल के बाहर द क्लच मशीन, अंदर जाना पड़ेगा उनको, डैमेज बहुत ज्यादा, थोड़ा और डैमेज पड़ेगा, नॉक होते हुए दिखाई देंगे, फ्यूर्स एचपी कम है, बड़े एमजे उन्होंने सारन को डाउन किया, बड़े एमजे पीछे मौजूद देख लिया गया ड्रीम्स के द्वारा, आसानी से नॉक किया, देखो और ब्लेज इसी बीच उनको नॉक कर दिया गया, बट टीम रेवेनेंट फ्यूर्स अभी भी अपने कदमों पर मौजूद है, ड्रीम्स उनको देख लिया गया, ब्लेज समाप्त कर दिए गए, बट चोया स्पीरो चोया कितने ज्यादा प्राइज वो निकाल सकते हैं, अभी तक का पूरे BGIS में हमने 14 देखा तो सही, बट चोया आज एक अलग रंग रूप में। जोन का शिफ्ट आएगा अभी के लिए कोई भी यहां पे प्लेयर जोन के अंदर है नहीं, पुकार आगे जाएंगे, वो प्लेयर को खत्म करना चाहते हैं, क्या वो नॉक करेंगे, जी हां वो खत्म करेंगे, टीम एक्स पार्क द फैन फेवरेट, बट टीम एक्स पार्क अभी तक वो सर्कल के अंदर पहुंचे नहीं है और अब सीधा मार्चिंग करने की कोशिश की जाएगी, डैमेज दिया जा रहा है टॉप डॉग के द्वारा, पुकार उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, बट आदित्य एचपी उनकी भी डाउन हुई, पुकार एक आखिरी ग्रेनेड के साथ टॉप डॉग, 6 ग्रेनेड अभी भी इनके झोली में, एक और ग्रेनेड के साथ वो तैयार है, बट ड्रीम्स अभी तक उनको देखा नहीं गया, एक और ग्रेनेड आया आदित्य बहुत ज्यादा क्लोज, टॉप डॉग एक और ग्रेनेड उनके बहुत ज्यादा क्लोज, एक और ग्रेनेड उनके बहुत ज्यादा क्लोज, ये तो डाउन कर सकता है, जी हां डाउन करेगा चोया, वो बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी, क्या चोया यहां पे गेम चेंज कर सकते हैं, इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, एक M4 उनके पास जरूर है, वो भी चाहते हैं कि यहां पे BGIS को खत्म करे एक चिकन के साथ, बट टीम एक्स पार्क तीन प्लेयर्स उनके पास, वो ढूंढ रहे हैं चोया को, चोया एक रैंडम ट्रेड करा जाएगा उनकी तरफ से, It all takes a clutch, क्या मेडल कहो या सात फ्रैक्स को करेंगे 10, क्या वो BGIS का सबसे बेहतर क्लच करेंगे, चलिए टीम्स को स्पॉट कराए, एक प्लेयर को नॉक करेंगे, उनको डाउन किया गया, दूसरे प्लेयर को स्पॉट करेंगे, फुकार को भी डाउन किया गया, it's a one v one, but he can't do it, he can't do it, टीम एक्स पार्क लेके जाएगी एक शानदार विनर विनर सेकंड डिनर, टीम एक्स पार्क तीन दिन तीन रंगल के मुकाबले और तीन विनर विनर चिकन डिनर, बट बात यहां पर आती है कि मेडल ईस्पोर्ट उन्होंने क्या कर दिखाया, ग्लैडिएटर्स क्या उन्होंने कर दिखाया, बिग ब्रदर की स्पोर्ट क्या उनसे एक बड़ी गलती हुई, ये सारी कहानी अभी भी बाकी है, बढ़ाएंगे द बॉट, आप पीछे से मुकाबले देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, 25 लाख रुपए giving away the prize for the second runner up is Meenu Lee, second runner up goes to team expo aawaz karo expo ke liye, you guys wanted to see them on the top, they are on the top, almost there, what a performance, keep that support coming in expo ke liye,
Team X-Pac on the stage, everybody. They are getting crowned. That's their medals. Keep clapping for them. What a wonderful tournament they've had. They've had their ups and downs, but they were there. Erangel was clearly their favorite with all of the chicken dinners going their way. Started the final battle with a chicken dinner. Ended the final battle with a chicken dinner. And that calls for a big round of applause right there. Make some noise! 25 lakhs! Okay. And now